स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ में। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप फास्फोरस के सिर्फ एक ऋण आयन से, सिर्फ एक एनायन से फास्फोरस के बाकी सभी ऋण आयनों का फार्मूला, उनका नाम बड़ी आसानी से लिख सकेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं फास्फोरस के ऋण आयन CO4 नेगेटिव, इसका नाम होता है फास्फेट आयन। अब हम क्या करेंगे, फास्फेट आयन में ना चार्ज कम करेंगे ना पी को कम करेंगे, सिर्फ एक ओ परमाणु को कम करेंगे और लिख देंगे PO3। जहां सेम रहेगा PO3 नेगेटिव, इसका नाम हो जाएगा फास्फाइल आयन। देखिए यहाँ पर फास्फेट आयन था, यहाँ पे क्या हो गया फास्फाइल आयन। अब हम इसको फिर से एक बार करें, एक ओ परमाणु कम करेंगे लेकिन चार्ज पर कोई कमी नहीं करेंगे और अब हो जाएगा PO2 नेगेटिव और इसका नाम हो जाएगा हाइपो फास्फाइल। क्या हो जाएगा? हाइपो फास्फाइड आयन। अब हम फास्फेट आयन में एक ओ परमाणु को जोड़ें लेकिन चार्ज में कोई चेंजमेंट नहीं होगा और अब हो जाएगा PO5 नेगेटिव, इसका नाम होगा पर फास्फेट। इसका एक और नाम हो सकता है पर ऑक्सी फास्फेट आयन या पर ऑक्सी मोनो फास्फेट। तो अभी तक हमने सिर्फ ओ को कम या ज्यादा किया है और हमें नए 1, 2, 3 आयन मिल चुके हैं। अब हम फास्फेट आयन में एक प्रोटॉन जोड़ें, मतलब H+ जोड़ेंगे। तो हम जानते हैं H+ के पास एक प्लस है, तो यहां पर प्लस और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब नया आयन होगा, उसका फार्मूला होगा HPO4 नेगेटिव और इसका नाम होगा हाइड्रोजन फास्फेट आयन। एक और जोड़ते हैं, जब हम एक और H+ जोड़ेंगे इसमें चार्ज में कोई भी कमी आएगी पर अब फार्मूला हो जाएगा H2PO4 सिंगल नेगेटिव, इसका नाम हो जाएगा डाई मतलब 2 हाइड्रोजन फास्फेट आयन। हमें दो नया आयन मिल चुके हैं। अब यही काम हम फास्फाइड आयन के साथ करते हैं, इसमें भी एक प्रोटॉन जोड़ते हैं। तो ये फार्मूला हो जाएगा प्लस, यहां पर ऐड होगा चार्ज कम हो जाएगा HPO3 हाइड्रोजन फास्फाइड आयन। इसमें भी हम एक प्रोटॉन और जोड़ सकते हैं, अब इसका नाम और फार्मूला प्लस की वजह से चार्ज और कम होगा, अब नाम हो जाएगा डाई मतलब 2 हाइड्रोजन फास्फेट आयन।
क्या करेंगे, फास्फेट आयन को दुगना करेंगे, लेकिन जब हम दुगना करेंगे तो इसमें एक ओ कॉमन हो जाएगा, तो ओ एट होने की जगह ओ कितने हो जाएंगे, सेवन, और फार्मूला बनेगा P2O7 फोर नेगेटिव, कितना बनेगा P2O7 फोर नेगेटिव। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई फास्फेट आयन। इसका एक और नाम होगा या पायरो फास्फेट आयन। पायरो फास्फेट आयन में जब हम एक ओ परमाणु बढ़ाएंगे, लेकिन चार्ज में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो बनेगा P2O4, P2O8 फोर नेगेटिव, और इसका नाम हो जाएगा पर ऑक्सी डाई फास्फेट। अब हम क्या करेंगे, P2O7 में से एक ओ परमाणु को कम करेंगे, लेकिन चार्ज को कम नहीं करेंगे, और अब इसका फार्मूला हो जाएगा P2O6 फोर नेगेटिव, नाम क्या हो जाएगा, हाइपो फास्फोरेट, क्या नाम हो गया, हाइपो फास्फोरेट आयन। अभी भी हमें कौन आयन का नाम यहां से लिख सकते हैं, यहां सारे को हटा देने पर बचेगा P3 नेगेटिव, इसका नाम होगा फास्फाइड आयन। अब हम काउंट कर लेते हैं कि हमने एक फास्फोरस के आयन से कितने और आयन बनाए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और एक 11। हमने एक फास्फेट आयन से 11 और आयन बना दिए। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये ट्रिक, अपने कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइएगा, और अपने उस फ्रेंड को जरूर शेयर करें जिसे आयन के फार्मूला याद करने में दिक्कत होती हो, तो उसे बहुत हेल्प होगी। और अगर आपको आयनिक कंपाउंड के फार्मूला याद करने पड़ते हो, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है नेमिंग आयन, जिसमें मैंने 1 घंटे में 3000+ कंपाउंड बनाने की ट्रिक डाल रखी है, आप उसको एक बार जरूर देखें, तो आप 1 घंटे में 3000+ कंपाउंड बनाना सीख जाएंगे।